जी डिश टीवी इन्फो के साथ एक और सेटेलाइट के साथ मैं हाजिर हो गया हूँ। मैंने ये एक मेरा उस्ताद भी है, भाई भी है और मेरा उस्ताद भी है, खालिद जमाली, उसकी फरमाइश पे 36° सेटेलाइट, उसने बोला इंग्लिश चैनल कुछ ऐड हुए न्यू, तो वो हम चेक करेंगे 36° पे कौन से चैनल इंग्लिश ऐड हुए न्यू। लेकिन ये जो सेटेलाइट है 36°, ये सेटेलाइट यूरोपियन सेटेलाइट है और रशियन चैनल चलते हैं इसमें, तो चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन से न्यू चैनल ऐड हुए हैं। तो मेरी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों को, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी कीजिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। चलते हैं टीवी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और वीडियो के साथ फौजी डिश टीवी इन्फो में खुश आमदीद। ये एक यूरोपियन सेटेलाइट है और ये मेरे उस्ताद की फरमाइश थी कि आप इस पे भी एक वीडियो बनाएं, क्योंकि इसमें कुछ न्यू एड चैनल हुए हैं। ये 36° है, पाक साथ के बिल्कुल ही साथ चलती है, KU पाक साथ के साथ चलती है। KU सी बैंड की तो क्या ही बातें हैं, सी बैंड KU तो पाकिस्तान की बेस्ट सेटेलाइट है, लेकिन ये चलती है KU पाक साथ के बिल्कुल साथ। ये इंच का भी यानी के तरफ का फ़र्क नहीं है, KU पाक साथ यानी के एक इंच का भी फ़र्क नहीं है, मामूली सा फ़र्क है। तो इसमें हो सकता है KU पाक साथ में समा चलता है, उसकी फ्रिक्वेंसी स्ट्रांग है, हो सकता है वो समा न्यूज़ इसमें आ जाए। तो ब्लाइंड स्कैन करते हैं, चेक करते हैं हमें कितनी TP रिसीव होती है और कितने चैनल मिलते हैं। ये पहली TP इन हो गई है, तो स्किन भी हमारी 7% हो गई। पहली TP हमें जो नो रेंज यानी के छतरी की रेंज में नहीं है, तो आगे चेक करते हैं कि कितनी TPs हमें मिलती हैं। और ये अभी दूसरी TP आ गई है, तो दूसरी TP भी मेरे ख्याल में नो रेंज ही हो गई है। तो अभी तक स्किन हमारी जारी है, देखते हैं कि हमें कितनी TP रिसीव होती है और कितने चैनल मिलते हैं हमें 36° पर। इस सेटेलाइट का नाम है जियो सात 36°। ये एक यूरोपियन सेटेलाइट है और ये नहीं है, यूरोपियन का नाम आ जाए तो आपके जहन में वही चीज़ आ जाए कि इसमें वो वाले चैनल चलते हैं, लेकिन इसमें अच्छे चैनल चलते हैं मूवीज़ के, आप देख सकते हो इसमें यानी के इंग्लिश चैनल हैं, कहीं कहीं पे सीन आ जाते हैं, कोई मसला नहीं इतना बड़ा, आजकल तो इंडिया भी दिखा रहा है तो थोड़े बहुत सीन तो वीडियो में आ जाते हैं, इंग्लिश मूवी में भी आ जाते हैं, लेकिन इसमें अच्छी मूवीज़ चलती है। ये सेटेलाइट पाक साथ KU के साथ चलती है बिल्कुल ही नज़दीक, यानी कि पाक साथ सेटेलाइट आप अगर ट्रैक करा रहे हो KU पे, तो ये KU बैंड की सेटेलाइट है, रेशियन सेटेलाइट है, इसको आप रेशियन सेटेलाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि तकरीबन इसमें रेशियन ज़बान पे जो है ना चैनल चलते हैं। इसमें न्यू चैनल ऐड हुए हैं लेकिन वो स्क्रैम्बल है, यानी कि स्क्रैम्बल चैनल है, लाइन पे ओपन होते हैं नहीं होते इसका अभी तक मुझे बहरहाल इल्म नहीं है। तो जितनी मेरी जानकारी है, अभी मैं जो बॉक्स पे स्किन करा रहा हूँ उस बॉक्स में लाइन भी नहीं लगी हुई है। ये पहला चैनल हमें, पहली TP हमें रिसीव हो गई है, चौथे नंबर पे TP है, चार नंबर पे तो ये ओके हो चुकी है। तो पहला चैनल हमें मिल चुका है। यूरोपियन जितनी भी सेटेलाइट हैं, जो रेशियन है ये आधे से ज़्यादा स्किन हो जाती है बाद में चैनल, ये चैनल आ गए हैं रेशियन, रेशिया 2 कॉमेडी, ये आप चेक कर सकते हैं। ये मेरे उस्ताद की फरमाइश थी, खालिद नाम है मेरे उस्ताद का,
उसकी फरमाइश थी कि ये सैटेलाइट पे आप वीडियो बनाएं और हमें चेक कराएं कि इसमें ये चैनल आए हैं जो स्क्रैम्बल हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, ये न्यू चैनल इसमें ऐड हुए हैं, ये फोक्स है, ये कोई ज्योग्राफिक का चैनल लग रहा है, तो ये न्यू चैनल इसमें ऐड हुए हैं, तो ये स्क्रैम्बल चैनल है मेरे ख्याल में, ये सर्विस आ गया, ये पाक साथ के बिल्कुल ही साथ ही चलती है, इसमें हो सकता है समा जो है ना वो आ गया हो, समा न्यूज़, ये समा तकरीबन उसकी इतनी क्वालिटी उन्होंने स्ट्रांग पाक साथ पे फेंकी हुई है ना कि वो दूसरी सेटेलाइट पे भी घुस जाती है। तो ये अभी हमें 35 चैनल मिल चुके हैं, हम चेक करते हैं कि हमें कितने चैनल रिसीव हो रहे हैं। और हमारी स्किन भी तकरीबन कंप्लीट होने वाली है, पंचानवे परसेंटेज हो चुकी है, 98 हो गई। चेक करते हैं कि हमें चैनल कितने, अभी हम इसको ओके करते हैं सैटेलाइट को और चेक करते हैं कि हमें कितने चैनल इसमें रिसीव हो चुके हैं। ये चैनल लिस्ट है, पहले नंबर पे हमें ये चैनल है जो रिसीव हुआ है, उसके बाद ये लाहौर है, पता नहीं, ये वही आ गया ना समा, मैंने बोला था ना इसमें समा की जो फ्रिक्वेंसी स्ट्रांग है तो समा न्यूज़ चल जाएगा मेरे ख्याल में, ये चल भी गया, तो ये आप चेक कर सकते हैं कि दूसरा ये है रशियन, आप चेक कर सकते हैं रशियन सैटेलाइट है ये, तो ये रशियन मूवीज चल रही है इसमें, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। ये खालिद भाई का जो मुझे कह रहा था उस्ताद मेरा, ये चैनल है वन एच डी, तो ये कह रहा था कि ये मुझे एक मर्तबा आपने चेक कराना है वन एच डी, तो ये जियो सात आप देख सकते हो, इस सैटेलाइट का नाम है जियो सात, ये नंबर में लिखा हुआ है जियो सात रेडियो, तो इस सैटेलाइट का नाम भी यही है, ये रशियन टू, ये इसमें इंग्लिश मूवीज बहुत ही अच्छी चलती है फाइट में, तो ये कॉमेडी, ये एक और है चैनल, ये आवाज से आप समझ जाए कि इसमें जो है ना ये आवाज किस सिस्टम का चल रहा है, तो आप समझ जाए कि ये इसमें मूवीज चल रही है। ये 4 फुट पे मुकम्मल रिसीव हो जाती है, मैंने फिलहाल 2 फुट पे छतरे पे रिसीव की है, ये डेमो देने के लिए, ये सैटेलाइट 4 फुट पे मुकम्मल रिसीव हो जाती है, तो आप चेक कर सकते हो, रशिया टू चैनल है ये। तो अभी ये नट जी वाइल्ड जो स्क्रैम्बल आ रहे हैं ना, ये चैनल न्यू एड हुए हैं इसमें, तो भाई ने बोला कि अभी इसमें लाइन भी नहीं लगी हुई कि मैं इसको चेक करूं, ये चैनल हैं जो न्यू एड हुए हैं, ये स्क्रैम्बल चैनल है, ये इस पर आप डॉलरों के निशान भी चेक कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, दुआओं में याद कीजिएगा मुझे, और हमारे चैनल को फिर से वही छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब, ओके।